हेलो एवरीवन, आज मैं बनाऊंगी चना दाल पालक। चना दाल पालक बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चने की दाल को 2-3 बार साफ़ पानी से धो के 5 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। दाल अच्छे से फूल गई है। आप चाहें तो दाल को रात भर के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। दाल के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है इसे निकाल देंगे और दाल को उबाल लेंगे। दाल को कुकर में डालेंगे। इसमें डालेंगे 1.5 गिलास पानी। कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और फुल फ्लेम पे 4 सीटी आने तक पकाएंगे। एक गुच्छी पालक की वजन में 400 ग्राम पालक है। पालक की जड़ को काट के निकाल देंगे। इस तरह से पत्तों को दोनों साइड से चेक करेंगे, कोई कीड़ा तो नहीं है। 2-3 बार साफ पानी से धो लेंगे पालक को और बारीक काट लेंगे। 3 टमाटर, वजन में 250 ग्राम टमाटर है। टमाटर को साफ पानी से धो लेंगे। टमाटर के टॉप को काट के निकाल देंगे और बारीक काट लेंगे। अदरक का टुकड़ा, अदरक को साफ पानी से धो लेंगे, छील लेंगे, बारीक काट लेंगे या कद्दूकस कर लेंगे। दाल उबल गई है, अच्छे से पक गई है, सॉफ्ट हो गई है। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे हल्का गर्म कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। तेल को हल्का धुआं निकलने तक गर्म होने देंगे। तेल में से धुआं निकलने लगा है, गैस फ्लेम ऑफ करेंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। तेल ठंडा हो गया है, हल्का गर्म है, गैस फ्लेम ऑन कर दी है मैंने, लो टू मीडियम पे की हुई है। इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा। जीरे को चटकने देंगे। जीरा चटक गया है, अदरक डाल देंगे। अदरक को मैंने कद्दूकस किया है। टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा पानी, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 छोटी चम्मच लाल मिर्च डाली है मैंने, देगी मिर्च ली है, ये तीखी कम होती है, धनिया, नमक डालेंगे। नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। मैंने 1 छोटी चम्मच और थोड़ा सा नमक और डाला है। चला देंगे मसाले को, अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाला साइडों से तेल ना छोड़ दे, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। मसाला भुन गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाले में जो पानी था वो भी सूख गया है। टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं मसाले में। कटा हुआ पालक डालेंगे। पालक को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए पकने देंगे, गैस फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे पालक धीरे धीरे पानी छोड़ देगा। पालक में काफ़ी मात्रा में पानी होता है, ये देखिए पालक ने अपना पानी छोड़ दिया है। इसीलिए पालक को पकाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। 10 मिनट हो गए हैं पालक को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। बीच में एक बार चला दिया था मैंने, पालक ने पानी छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे उबली हुई दाल, चला देंगे। दाल और पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फुल फ्लेम पे उबाल आने देंगे। सब्जी में उबाल आ गया है, चला देंगे। इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। गरम मसाले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 5 मिनट हो गए हैं सब्जी को मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। सब्जी बन गई है, ये देखिए गाढ़ी हो गई है। दाल अच्छे से घुल गई है और पालक भी पक गया है। गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपको दाल पालक की ये रेसिपी पसंद आई है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।